नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों पर स्थित जलप्रपात के बारे में, जो एमपी गवर्नमेंट की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल के अंतर्गत बार बार पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। अगर आप इसे समझ लिए तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात के बारे में। तो इसका ट्रिक देख लीजिए क्या है। इसका ट्रिक है, मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया। तो एक लड़की का नाम है मधु, जिसने क्या किया, साहस करके दुख, इसमें दुख लिखा हुआ है, दू से आगे हम बताएंगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, और दर्द, इतने वर्ड आपको इसमें याद रखने हैं। मधु, साहस, दुख, दर्द, इतने वर्ड अगर आप याद कर लेंगे तो नर्मदा नदी पर स्थित सभी जलप्रपात के नाम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया। तो मधु में जो माँ आता है ये हमारा डिनोट करता है मांधार जलप्रपात के बारे में, और जो हमारा धू आता है ये डिनोट करता है धुआंधार जलप्रपात, जो कहाँ है, भेड़ाघाट में है, जबलपुर में, और मांधार जलप्रपात कहाँ है, हमारा खंडवा में। साहस में आता है हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो महेश्वर खरगोन में आता है। दू से आता हमारा दुग्ध धारा जलप्रपात, जो अमरकंटक के अनूपपुर में है। बात करते हैं क से दुख दर्द, तो क से हमारा आएगा कपिल धारा, ये भी हमारा कहाँ है, अमरकंटक के अनूपपुर ज़िले में, अमरकंटक में आता है। और लास्ट हमारा है दर्द, दर्द से हमारा आएगा दर्दी जलप्रपात, जो कहाँ है, खंडवा में है। तो हमारा नर्मदा पर स्थित जलप्रपात का ट्रिक के माध्यम से याद हो गया, मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला है हमारा चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात। तो ट्रिक देखिए इसका क्या है, ट्रिक बहुत ही सिंपल सा है। झाड़ी चलती रहे पाताल पर, एक बार और जोड़ लीजिएगा पर, चंबल नदी पर क्या है, झाड़ी चलती रहे पाताल पर। ट्रिक के माध्यम समझते हैं क्या है, आगे देखते हैं। झाड़ी से हमारा आएगा झाड़ीदाहा जलप्रपात, चलती चलती से आएगा चूलिया जलप्रपात, जो हमारा कहाँ है, मंदसौर में है, और झाड़ीदाहा है इंदौर पे। रहे से होगा राहतगढ़ जलप्रपात, तो राहतगढ़ हमारा कहाँ है, सागर में है। पाताल पानी कहाँ है, पाताल से होगा पाताल पानी जलप्रपात, जो कहाँ है, इंदौर पे है। तो देखिए झाड़ी चलती रहे पाताल पर, झाड़ी से झाड़ीदाहा, चलती से चूलिया जलप्रपात, रहे से राहतगढ़, और पाताल से पाताल पानी जलप्रपात। तो चंबल नदी पर हमारे चार महत्वपूर्ण जलप्रपात आप ट्रिक के माध्यम से जान गए हैं। अब चलते हैं आगे, बीहड़ नदी पर स्थित जलप्रपात। बीहड़ नदी के बारे में बात करेंगे, तो बीहड़ नदी हमारा कहाँ है, रीवा के पास है। तो इसका ट्रिक है, बहु चाचा केवट हैं, बहु चाचा हमारे क्या हैं, बहु चाचा केवट हैं। आगे देखते हैं, तो बहु से हमारा हो जाएगा बहुटी जलप्रपात, बहु से बहुटी जलप्रपात, चाचा से चचाई, चचाई जलप्रपात हमारा रीवा में आता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची जलप्रपात कहलाती है। इसकी ऊंचाई 130 किलोमीटर है। अगर विश्व की बात करें तो एंजल फॉल्स आपने सुना होगा, ये है वेनेजुएला में, जो दक्षिण अमेरिका में आता है। केवट से होगा हमारा केवटी जलप्रपात, ये भी रीवा में है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश का हमारे सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है, आपने सुना होगा, जोग या गरसोपा जलप्रपात। हमारे देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोपा जलप्रपात, जो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में आता है। इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो चचाई जलप्रपात, जो 130 मीटर है, और अगर विश्व की बात करें तो एंजल फॉल्स, जो वेनेजुएला में आता है। ठीक है, तो आपको इस बात को याद करके रखना है। और बात करें धुआंधार की, तो धुआंधार हमारा जो भेड़ाघाट में आता है ये 10 मीटर ऊँचा कहलाता है, और चूलिया जलप्रपात की बात करें तो ये मात्र 18 मीटर होता है। अब केन नदी पर स्थित जलप्रपात के बारे में बात करें, तो ट्रिक हमारा बहुत सिंपल सा है, कौन पंडित है, तो पंडित से हमारा हो जाएगा पांडव जल प्रपात। आपको याद करके रखना है कि पांडव से क्या होगा, पंडित से हमारा हो जाएगा पांडव जलप्रपात, जो कहाँ पे है, केन नदी पर है। अब बात करते हैं पचमढ़ी पर कुछ स्थित जलप्रपात। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, अडर, आ से हमारा क्या होगा, अप्सरा जलप्रपात, द से दचेस, और र से रजत फॉल्स, ये सभी कहाँ है, पचमढ़ी में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है, आपको इस बात को याद रखना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अडर का पूरा लिखा हुआ है, अप्सरा, दचेस, रजत। आगे चलते हैं, अब कुछ और बात करते हैं जहाँ क्या है जलप्रपात स्थित हैं, जैसे भालकुंड जलप्रपात कहाँ है, सागर में आता है, पियावन जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, और हमारा बेलोही जलप्रपात आता है, रीवा के निकट कहलाता है। बात करें बहुटी की, तो बहुटी हमारा आता है बहुटी नदी पर ही है, रीवा में। केवटी भी हमारा केवटी नदी पर है, और पूर्वा जलप्रपात है टोंस नदी पर है। ठीक है,
तो ये हमारे सारे जलप्रपात यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे ही हम आपको वीडियो बना बना के देते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।